नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेसर या फिर आप कह सकते हैं कि सीपीयू स्मार्टफोन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, आज जब भी हम कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है। तो अब जंग छिड़ी हुई है दो प्रोसेसर के बीच में, जो कि है स्नैपड्रैगन 675 और स्नैपड्रैगन 710। अब ये जंग क्यों छिड़ी हुई है आपको ये भी बता देते हैं। रेडमी नोट 7 प्रो में हमें देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 और Realme 3 Pro जो कि लॉन्च होने वाला है 22 अप्रैल को, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% कंफर्म भी है कि इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन की तरफ से 710 चिपसेट। तो अब कंफ्यूजन ये है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि स्नैपड्रैगन 675 अच्छा है या फिर स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट अच्छा है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज नहीं हैं, इनफैक्ट जो CEO हैं Redmi और Realme के, इनके बीच में भी वार चल रहा है ट्विटर पे। कोई लिख रहा है कि 710 बेटर है और कोई लिख रहा है कि 675 बेटर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपका यही कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों ही चिपसेट में से कौन से चिपसेट का परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में जो कंपैरिजन होने वाला है वो स्पेसिफिकेशन बेस्ड होने वाला है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 710 वर्सेस स्नैपड्रैगन 675 के बीच में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं FinFET टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 710 काम करता है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और अगर हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 675 की तो ये काम करता है 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 710 बेटर है स्नैपड्रैगन 675 के कंपैरिजन में। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं दोनों ही चिपसेट के आर्किटेक्चर की, तो यहां पर दोनों ही चिपसेट आपको मिलते हैं क्रायो बेस्ड, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाता है दोनों ही चिपसेट के कॉन्फ़िगरेशन में। जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के 710 चिपसेट की, तो ये काम करता है क्रायो 360 कोर्स पे, जहाँ पे यूज़ किए गए हैं 8 कोर्स मिस, क्योंकि यह आपको देखने को मिलता है ऑक्टाकोर चिपसेट, जहाँ पे आपको पहले 2 कोर्स देखने को मिलते हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं। ये आपको मिलते हैं कॉर्टेक्स A75 के। जी हाँ, ये 2 कोर्स हैं जो कि काम करते हैं 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे, और बाकी के जो 6 कोर्स हैं ये काम करते हैं कॉर्टेक्स A55 पे, जो कि क्लॉक किए गए हैं 1.7 GHz की क्लॉक स्पीड पे। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के 675 की, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है। जी हाँ, ये काम करता है क्रायो 460 सीरीज पे, और ये भी एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, जहाँ पे आपको 8 कोर्स देखने को मिलते हैं, जो पहले 2 कोर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किए गए हैं, वहाँ पे आपको मिलता है कॉर्टेक्स A76, लेकिन जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 GHz की। जबकि अगर हम बात करते हैं बाकी के 6 कोर्स की, तो वो बिल्कुल आपको सेम देखने मिलते हैं स्नैपड्रैगन 710 की तरह ही। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको 6 कोर्स देखने को मिल रहे हैं, वो कॉर्टेक्स A55 के हैं, जो कि क्लॉक किए गए हैं 1.7 GHz की क्लॉक स्पीड पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो वो ऑब्वियसली आपको मिलने वाली है स्नैपड्रैगन के 675 में, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लॉक स्पीड की, तो वो आपको बेटर देखने को मिल रही है स्नैपड्रैगन के 710 में। तो यहाँ पे बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है दोनों ही चिपसेट के बीच में। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि बेटर चिपसेट यहाँ से देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 675, लेकिन हम जानते हैं कि चिपसेट के साथ में जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। तो अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन होगा, वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी टक्कर होने वाली है इन दोनों ही चिपसेट के बीच में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही जल्द हम इनका प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि इन दोनों ही चिपसेट में से किस चिपसेट की परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलती है। यहाँ पे अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि स्नैपड्रैगन का 675 थोड़ा सा बेटर मुझे देखने को मिल रहा है, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन के 710 से। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ CPU परफॉर्मेंस की, क्योंकि GPU में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट में आपको जो GPU देखने को मिलता है वो है Adreno 616, जो कि लेटेस्ट है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन के 675 की GPU की, तो वहाँ पे आपको मिलता है Adreno 612 GPU। जी हाँ, बेटर GPU में देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन के 710 चिपसेट के साथ में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि रैम सपोर्ट की, तो दोनों ही चिपसेट सपोर्ट करते हैं LPDDR4X रैम को। जी हाँ, ये सपोर्ट दोनों ही चिपसेट में सेम है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा कंपैरिजन देखने को मिलने वाला है दोनों ही चिपसेट के बीच में, क्योंकि कोई चीज़ बेटर आपको देखने को मिलती है स्नैपड्रैगन 710 में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देखने मिलती हैं स्नैपड्रैगन के 675 में। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि दोनों ही चिपसेट बहुत ही ज़्यादा इक्वल हैं,
देखना होगा प्रैक्टिकल कंपैरिजन में कौन सा चिपसेट किससे आगे निकल कर आता है। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि Redmi Note 7 Pro बेटर है या फिर Realme 3 Pro। अब बात करते हैं Realme के एक नए डिवाइस की जो कि Realme 3 Pro के साथ में लॉन्च होने वाला है, और ये डिवाइस हो सकता है Realme C2। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है, कोई टीजर हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग लीक्स हैं जो कि बताती हैं कि Realme 3 Pro के साथ में Realme C2 भी लॉन्च होने वाला है, और ये Realme C1 का एक अपग्रेड वर्जन होगा। लेकिन ऐसी स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आई हैं, मुझे नहीं लगता कि यह अपग्रेड वर्जन होना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह फोन आपको मिलने वाला है MediaTek के Helio P22 चिपसेट के साथ में, जबकि C1 जो आपको देखने मिलता था वो Snapdragon 450 पे आता था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये डाउनग्रेड है। हालांकि ये लीक्स हैं जो कि हमें पता चलेगा कि ये कन्फर्म है या नहीं है, वो तो 22 अप्रैल को ही होने वाला है। बाकी अगर कुछ और फीचर्स की बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको बैटरी सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लगभग 4500 mAh का बैटरी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, वही आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पे HD+ का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और कैमरे की बात करते हैं तो 13+2 MP का एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और 8 MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसके लिए आई है Realme C2 के लिए। प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली वही 8000 रुपये की प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये जो लीक्स आ रही हैं ये कन्फर्म है या नहीं है, इसके लिए अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है, और ये हमें पता चलेगा 22 अप्रैल को। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि Snapdragon 675 बेटर है या फिर Snapdragon का 710 और Realme C2 के बारे में। तो चलिए बस आज की वीडियो में नहीं था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपके पास और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।